खुश आमदीद। आज मैं यू आर लाइव इस वक्त में औरंगी स्टेशन है और इस स्टेशन पर ट्रेन हुई है। जैसा कि मैंने आपको हर वक्त बताता हूं कि कराची सर्कुलर रेलवे की ट्रेन दो मर्तबा चलती है, एक सुबह में एक। थोड़ा सा आपको किराया वगैरह भी बता और टाइमिंग भी ये लिखी हुई है। औरंगी टाउन किराया 30 रुपये के सी आर 2 के सी आर 3 ये है जी। और इसी जी थोड़ा सी कॉल वगैरह आ रही थी मोबाइल में, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन बारह मैंने उसको बोल दिया कि जी मुझे डिस्टर्ब ना करें। मैं भी फिलहाल औरंगी स्टेशन से लाइव इस वक्त मैं आपको औरंगी स्टेशन से अपडेट दे रहा हूँ। जैसे जब मैं कराची सर में वीडियो बनाता हूँ तो लोग कहते हैं कि जी ट्रेन चल रही है या नहीं चल रही। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर कराची सर्कुलर रेलवे की जो बहाली है उसका मिशन जारी है। कराची सर्कुलर रेलवे औरंगी स्टेशन से स्टार्ट हुई है, जो कि आपका पीपरी स्टेशन यानी कि एंड तक जाता है। ये यहाँ से औरंगी से शुरू होती है साइड एरिया, साइड के बाद फिर उसके बाद मंगोपीर, उसके बाद फिर शालतीफ, शालतीफ के बाद फिर बल्दिया, बल्दिया के बाद फिर लियारी, लियारी के बाद फिर स्टेशन और सिटी स्टेशन के बाद आपका पीपरी तक, जो कि मेन लाइन पर चलती है। यानी कि टोटल ओवरऑल जो है वो 14 किलोमीटर का औरंगी से लेकर सिटी स्टेशन और सिटी स्टेशन से लेकर तकरीबन 28 किलोमीटर आपका पीपरी तक, कि टोटल ओवरऑल जो है वो 42 किलोमीटर की ये ट्रेन चलती है और रोज़ाना की बुनियाद पर दो मरतबा चलती है। चूँकि दो मरतबा चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जिसको सुबह में जाना है यानी कि 12 बजे जाना है तो वो नहीं जा सकता, 1 बजे जाना है तो वो नहीं जा सकता, मगर शाम में चलेगी और सुबह चलेगी। लेकिन असल जो ट्रेन है वो जो बहाली का जो मिशन है वो जो कराची सर्कुलर रेलवे का, उसके ऊपर काम चल रहा है और वो इंशाल्लाह मतलब 3 साल में मुकम्मल होगा। और जब मुकम्मल होगा तो वो आपके सामने होगा ये औरंगी स्टेशन को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर बहाल किया है। मैंने ये सोचा था कि रिकॉर्ड करके आपको बताऊँगा, मगर लाइव आने का मकसद ये था कि चलें आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाती है, आपके कॉमेंट पढ़ लेते हैं, आपके कॉमेंट के जवाब दे देते हैं। इसीलिए तो नेट के थोड़े से इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी ब्लर हो जाती है, मगर आपसे कनेक्ट होने के लिए मैं लाइव आ जाता हूं कि चलें जी थोड़ी सी लाइव आपके पास आकर थोड़ी गुफ्तगू हो जाती है। बहरहाल ये औरंगी का स्टेशन है, आपको दिखा दें, इसकी ट्रेन की टाइमिंग भी आपको दिखा दें। औरंगी टाउन किराया 30 रुपये और 10:10 पर यहाँ से निकलती है और ये 16:10 यानी कि 4:10 पर। और ये ट्रेन है जी, ट्रेन के जो डब्बे हैं, जो बोगियाँ हैं वो बंद रहती हैं। अगर इसको खुली रखेंगे तो बड़ा बुरा हाल कर देते हैं यहाँ के लोग, बच्चे अंदर घुस जाते हैं और पता नहीं क्या क्या कचरा फेंक देते हैं। और यहाँ तक के वॉशरूम अवेलेबल है लेकिन वॉशरूम के बाहर आकर जो है वो गंद कर देते हैं। तो इसीलिए अब ये फैसला किया है कि ट्रेन की जो बोगियाँ हैं उसको बंद रखा जाए, लॉक कर दिया जाए ताकि अंदर साफ़ सुथरा रहे। क्या हाल है भाई मोहसिन, थैंक यू, लव यू, वाई एस व्लॉग। नवीद खान भाई, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा आपका। नवीद भाई, मैंने आपको कहा कि रिज़ल्ट को छोड़ें, मैं सिर्फ आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए जो है वो लाइव करता हूं ताकि आप लोगों से गुफ्तगू हो जाए, क्योंकि लाइव में अक्सर औकात ये होता है कि ब्लर बहुत हो जाता है, नेट कनेक्शन के इशूज़ होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ गुफ्तगू के लिए मैं जो है वो लाइव आता हूँ, वरना ज़्यादातर मैं अपनी जो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और रिकॉर्ड करके जो है वो अपलोड करता हूँ। मगर लाइव आने का मेरा जो असल मकसद है आपको वीडियो दिखाना और आपसे गुफ्तगू करना। तो अगर ब्लर हो जाता है तो मेरी तरफ से माजरा, क्योंकि ये मेरा कसूर नहीं है, ये नेट का कसूर है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से जो है वो थोड़ा सा वीडियो आपको ब्लर की सूरत में दिखा देता हूँ। लेकिन बहरहाल इमरान यूसुफ व्लॉग्स, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी। ईमान यूसुफ व्लॉग, सॉरी जी, नाम थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि इमरान लिखा हुआ है। तो बहरहाल वालेकुम अस्सलाम। ये है जी कराची सर्कुलर रेलवे की ट्रेन, 3 साल बाद इंशाल्लाह असल रूट पर ये ट्रेन नहीं बल्कि मुख्तलिफ ट्रेन चलेगी, मतलब असल डिज़ाइन में तैयार करदा जो ट्रेन होगी इंशाल्लाह। जब ट्रेन बनेगी तो उसकी भी आपको दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल जो है वो ट्रेन के असल रूट को बहाल कर रहे हैं जो माजी में ख़राब कर दिए गए थे। ये औरंगी का स्टेशन है, यहाँ पर क्या था, इस पूरे ग्राउंड पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कब्ज़ा था, तमाम कब्ज़े को खाली करवाया और ये जो स्टेशन आप देख रहे हैं ये असल हालत में
आपके सामने है। लोगों को भी चाहिए कि जी पान गुटखा यकीनन खाते हैं, नहीं खाना चाहिए और थूकना भी नहीं चाहिए। लाइफ का बैड वीडियो भी बना लें, लाइफ के बाद वीडियो भी बना लें। @DDGR ठीक है जी, आवाज़ नहीं सही चौधरी निसार, आवाज़ तो खैर सही आ रही है लेकिन वो थोड़ा सा ये कि वीडियो ब्लर हो जाती है नेट इश्यूज की वजह से। ठीक है जी, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके भी बना लूँगा। बाकी इस वक्त मैं औरंगी स्टेशन पर आपको कराची सर्कुलर रेलवे की ट्रेन में, आप बहुत मेहनत करते हैं, मैं आपकी तमाम वीडियो लाजमी देखता हूँ, शुक्रिया। जहांगीर वही साहब शुक्रिया जी, लाइव के बाद वीडियो बना लें। क्या नई KCR लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो की तरह होगी? इमरान खान, अभी तो इसका जो है वो प्लानिंग चल रही है, अभी जो असल प्लानिंग है वो ये है कि असल रूट बहाल करना। जब रूट बहाल हो जाएगा, क्योंकि FWO क्या कर रहा है, अंडर पासिस बना रहा है, ओवर हेड ब्रिज बना रहे हैं, मतलब प्लानिंग सारी हो गई है, सारी लाइनें खिंच गई हैं, प्लान मुरतब कर लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है उसके ऊपर वर्क कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना है। अभी क्या है, क्योंकि कब्जे बहुत थे, उसको छुड़ाना, उसके बाद ज़मीन को क्लियर करना, हर चीज़ है। मोहसिन भाई आप जो गुफ्तगू करके समझाते हैं वो बहुत ज़बरदस्त है, माशाल्लाह, नोनो प्रो, शुक्रिया जी, नोनो प्रो। और मैं तो सोच रहा हूँ कि आप मुझसे गुफ्तगू करेंगे, बहुत कम कॉमेंट आ रहे हैं। आप कराची का मुस्बत पहलू पेश करते हैं, आपकी वीडियो बड़ी मालूमाती और फ़ायदेमंद होती है। अशफाक खालिद साहब बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी है, हमें हमारे शहर को साफ सुथरा दिखाना है और इंशाल्लाह एक अच्छी मुहिम चल रही है, सिर्फ दिखाना ही नहीं है बल्कि अच्छे काम कर रही है इंतज़ामिया, जिसकी वजह से जो है वो अच्छा काम हो रहा है। DMU ट्रेन क्यों नहीं चलाते हैं ये? अस्सलाम वालेकुम शाना जाहिद, वालेकुम सलाम वसी अहमद, आवाज़ कहाँ है, बिल्कुल भी नहीं आ रही। वसी भाई आप अपने मोबाइल को चेक करें, वॉल्यूम को बढ़ा दें, आपका मोबाइल प्रॉब्लम कर रहा होगा। वसीम खान ग्रेट, शुक्रिया वसीम, शॉर्ट सर आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। अच्छा जी, हल्की आ रही है तो मैं आप थोड़ा सा मोबाइल को करीब कर लेता हूँ। माशाल्लाह पहली बार कोई वफाकी हुकूमत कराची पर इतना मेहरबान हुई है। इमरान खान माशाल्लाह आप ही के हम नाम हैं, वही मेहरबान हुए हैं। आवाज़ नहीं आ रही है। हसन ट्रेडर्स सब सही है, अब सही है। मिस्टर वड़ाई शॉर्ट्स, थोड़ा सा आवाज़ का इशू हो जाता है, कभी कभी हम थोड़ा सा स्लो बोल लेते हैं, कभी कभी हम थोड़ा सा तेज़ बोल लेते हैं, मगर आवाज़ चलें, खैर बहरहाल। थोड़ा सा मैं आपसे इसलिए मैं वीडियो से आ जाता हूँ जी, लाइव मुझे भी पता है कि लाइव वीडियो में थोड़ा सा ब्लर इशू होता है, मसाइल बहुत होते हैं, नेट कनेक्शन के इशू हैं, लेकिन लाइव का मेरा जो असल मकसद होता है वो आपके हैं कमेंट्स, आपसे बातें होना, क्योंकि रिकॉर्ड कर दी आपने, देख ली और ख़त्म, कोई गुफ्तगू नहीं हुई। मगर लाइव से ये होता है कि गुफ्तगू हो जाती है, मुझे आपसे कुछ सीखने को मिल जाता है, आप मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट भेजते हैं कि मैं जो अपनी गलतियां करता हूं उस गलतियों को, नेगेटिव कमेंट को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसमें पॉजिटिव होते हैं, मुझे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है आपके कमेंट से। अमार नसीम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी, इबाद जमील हाय भाई, अब सही है, आप काफ़ी अच्छी नॉलेज देते हैं अमार नसीम, शुक्रिया। इबाद जमील भाई साउंड ख़राब है, अच्छा इबाद भाई मैं अपनी तरफ से कोशिश कर लेता हूँ। ये कब चलेगी भाई? और आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है ज़ुबैदा बीबी, शुक्रिया बीबी। जुनेद अली, मैं औरंगी स्टेशन के बहुत करीब रहता हूँ, जुनेद भाई आपके मोहल्ले में ही हूँ मैं। हसन ट्रेडर्स बहुत थैंक्स, चलें जी अब थोड़ा सा मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी मोबाइल की बैटरी बड़ी जो है वो लो हो रही है, तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और फिर इंशाल्लाह किसी लाइव वीडियो में आपके साथ फिर गुफ्तगू करूँगा। अमार नसीम भाई देखे ना, मेरा लाइव आने का मकसद यही है कि आपसे गुफ्तगू हो गई मेरी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, उस्मान फारूकी, उस्मान भाई वालेकुम अस्सलाम, लॉन्ग लाइफ पाकिस्तान, रिगार्ड्स फ्रॉम USA, राजी भाई शुक्रिया, उबाद जमील, इबाद जमील भाई अल्लाह हाफिज़, मुझे भी दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।